हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अलावंदा के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये परमानेंट प्लान है और ये सनलाइट में अच्छे से ग्रो करता है। सनलाइट मिलने से ही इसके फूल खिलेंगे। अगर हम इसे सेडी एरिया में लगाएंगे तो ये प्लान ग्रो भी नहीं होगा और फूल भी नहीं खिलेंगे। एग्जांपल मैं अपने प्लान को दिखाती हूँ, एक मिनट। फ्रेंड्स, मैंने इस प्लान को मैंने सीढ़ी एरिया में लगाई थी तो ये ग्रो नहीं कर रही थी, तो मैं अभी इसको सनलाइट में लाई हूँ तो ये नई नई ब्रांचेस निकल रही है। ये देखो, न्यू ब्रांचेस। तो अभी सनलाइट में ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। सीढ़ी एरिया में लगाने से ये ग्रो नहीं हो रहा था। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र आप गोबर खाद देंगे तो भी ये अच्छे से फूल खिलता है। फ्रेंड्स, मैंने तो गोबर खाद ही दी है, लेकिन आप कोई भी खाद देंगे तो ये बहुत अच्छे से फूल खिलेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, नई नई कलियाँ भी आ रही है। यहाँ भी नई नई कलियाँ आएंगे। ये देखो, इसमें भी दो फ्लावर खिल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसको ये देखो सीमेंट पॉट में लगाया है, सीमेंट प्लांटर में, और इसमें ये रियो का प्लांट भी लगा हुआ है। ये देखो, ये है इस अलमंडा का प्लांट और ये है इसके फूल। फ्रेंड्स, मैंने इसको लास्ट ईयर कटिंग से लगाई थी, अभी इसी साल इसके फूल खिले हैं। बहुत ही बड़े बड़े फूल है इसके, और इसकी कलर्स आपको पिंक में भी मिल जाएगा। पिंक कलर में भी है इसके कलर, और इसकी छोटी वेराइटी भी है। ये वरी वाली वेराइटी है, छोटी वेराइटी येलो, वो भी येलो है। छोटी फूल आते हैं इसमें, लेकिन इसमें बड़े बड़े फूल आ रहे हैं। ये बड़ी वेराइटी है। फ्रेंड्स, आप भी लगाइए अलमंदा, बहुत ही खूबसूरत समर फ्लावर है। ओके, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।